धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से तैयारियों में जुटा है। वही यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से चमोली जनपद की प्रवेश सीमा कमेड़ा तक हाईवे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने NHIDCL के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बाजपुर में हाईवे किनारे सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाए, साथ ही जल संस्थान को यात्रा मार्ग पर स्थापित वाटर ATM, हैंडपंप और TTSP पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश दिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। पूर्व में भी हमने नवंबर माह से हमने 3-4 बैठकें करी हैं कि जो चार्टर यात्रा रूट है वो सुचारू रहे, इसमें रोड की व्यवस्था है और साथ ही साथ पेयजल है, शौचालय, तो ये सब सुचारू रहे। तो इसके क्रम में भौतिक सत्यापन के लिए आज पूरी टीम के साथ हमने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकांश जो व्यवस्थाएँ थी वो निर्देशों के अनुरूप मिली। कुछ जगह पर अगर शौचालयों में जो सुलभ के शौचालय हैं उसमें जो कर्मी हैं उनके तैनाती ताकि साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रहे और बिजली पानी की व्यवस्था, इसी क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ गौचर में जो हमारा बैरियर है वहाँ पर जो यात्री आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसके लिए कि वो 24 घंटे सुचारू रहे हमारा बैरियर, उसमें जनरेटर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं पर भी विद्युत व्यवस्था में कभी कोई कमी ना हो और जो यहाँ पर यात्रा व्यवस्था है वो सुगम रहे।